नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। आज हम बात करेंगे सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की। पबजी खेलते हुए नोएडा के सचिन के प्यार में अपना घर और देश सब कुछ छोड़कर भारत आई सीमा ने एटीएस की पूछताछ के बाद मीडिया से बात की। सीमा ने कहा कि मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा ने कहा, मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं और अब मुझे यहीं रहना है, मैं यहीं पर रहना चाहती हूं। सीमा ने कहा कि भारत आने में YouTube ने मदद की, इसके अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मैं बिना वीजा के भारत आई हूँ। सचिन और सीमा की शादी के फोटो भी अब वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सीमा ने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर अब सचिन की पत्नी के रूप में रहूंगी, यहां पर इज्जत की जिंदगी है और वहां पर जिल्लत की मौत। पाकिस्तान जाते ही मुझे और मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। मेरी मोदी जी और योगी जी से अपील है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजें, मुझे यही मेरे परिवार के साथ रहने दिया जाए। सीमा हैदर ने अब अपने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के यहाँ पर दया याचिका लगाते हुए भारत की नागरिकता देने की भी मांग की है। सीमा ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दया याचिका भेजी है। याचिका में सीमा ने सचिन मीणा से शादी होने के बाद भारत की नागरिकता देने, भारत में ही रहने देने की मांग की है। याचिका के साथ लगाए गए हलफनामे में सीमा ने अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह अब सीमा मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी के फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। सीमा के वकील के अनुसार सीमा ने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन से शादी की थी, तो अब वो इसी आधार पर भारत की नागरिकता मांग रही है। तो मुझे जेल भेज दिया जाए ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। कुछ भी हो जाएगा मैं भारत में ही रहूंगी, जेल जाना मंजूर लेकिन वापस नहीं जाऊंगी पाकिस्तान। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीमा हैदर ने ये सब बातें कही। अब सोशल मीडिया पर लगातार सीमा और सचिन की शादी के भी फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सीमा का कहना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बिना वीजा के भारत आ गई हूं। तो इस कहानी में हर दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक। सीमा ने एटीएस ने जब सवाल पूछे तो उनके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए सीमा ने कहा, पाकिस्तान में जिल्लत, भारत में है इज्जत की जिंदगी। सीमा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पबजी खेलते हुए नोएडा के सचिन के संपर्क में आई सीमा से एटीएस ने करीब 18 घंटे पूछताछ की। उसके बाद मीडिया से चर्चा की सीमा ने और कई सारी बातें इस दौरान मीडिया के सामने रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन अब पाकिस्तान जाना किसी भी कीमत पर गवारा नहीं है। सीमा का कहना है कि मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान की सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की थी शुक्रवार को और करीब करीब सभी सवालों के सीमा हैदर ने जवाब दिए। उसने कहा कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं और अब मुझे यहीं पर रहना है, मैं यहीं रहना चाहती हूं, मुझे यहां से जाना ना पड़े और मुझे गलत ना कहें। सीमा ने कहा कि भारत आने में YouTube ने मेरी मदद की, इसके अलावा और कोई इस बीच में मेरा हमसफर नहीं था, कोई मददगार नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि बिना वीजा के मैं भारत आई। सचिन और सीमा की शादी की फोटो अब वायरल हो रही हैं। इसके बाद अब सीमा कह रही हैं कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए।
सीमा ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं अब सचिन की पत्नी हूं, यहां पर इज्जत की जिंदगी है और पाकिस्तान में जिल्लत की मौत, पाकिस्तान जाते ही मुझे और मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। मेरी मोदी जी और योगी जी से अपील है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे यहीं पर मेरे परिवार के साथ रहने दिया जाए। पाकिस्तान से आकर सचिन से प्रेम विवाह का दावा कर रही सीमा हैदर ने अब अपने वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के यहां दया याचिका लगाते हुए भारत की नागरिकता की मांग की है। सीमा ने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दया याचिका भेजी है। याचिका में सीमा ने सचिन मीणा से शादी होने के बाद भारत की नागरिकता देने, भारत में ही रहने देने की मांग की है। याचिका के साथ लगाए गए हलफनामे में सीमा ने अपना पूरा नाम सीमा हैदर की जगह सीमा मीणा लिखा है। इसके अलावा अपनी शादी के फोटोग्राफ भी भेजे हैं। सीमा के वकील ने कहा है कि नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से सीमा ने शादी की और अब वो सचिन की पत्नी है। इसी के आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती हैं। तो पबजी वाले प्यार से पाकिस्तान से भारत आई सीमा अब भारत की नागरिकता चाहती हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़ जाए भारत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेल के भीतर ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगी भारत में, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगी। तो सीमा की स्टोरी में हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और ऐसे में चाहे मीडिया की बात की जाए या फिर एटीएस की बात की जाए, कोई भी सवाल सीमा से पूछा गया तो बड़ी ही बेबाकी के साथ सीमा हर सवाल का जवाब दे रही हैं। जी हाँ, तो पबजी खेलते हुए नोएडा के सचिन के संपर्क में आई सीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की जेल में मैं जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा ने कहा, मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं और अब मुझे यहीं पर रहना है, पाकिस्तान जाते हैं तो मुझे और मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। मेरी मोदी जी और योगी जी से अपील है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजें, मुझे यहीं पर मेरे परिवार के साथ रहने दिया जाए। सीमा हैदर राष्ट्रपति से दया याचिका लगाते हुए भारत की नागरिकता की मांग की है। सीमा का कहना है कि वो सचिन की पत्नी है और इसी आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। सीमा कह रही हैं कि मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये सच में एक सच्ची प्रेम कहानी है या फिर कोई गहरी साजिश है, इसको लेकर तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इस दौरान आ रही हैं। लेकिन अगर बात यहां पर सीमा की जाए तो सीमा लगातार बेबाकी के साथ तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं। मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं सचिन से प्यार करती हूं। तो पाकिस्तान से भारत आई सीमा का अब साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगर जेल भी हो जाती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं लेकिन रहूंगी भारत में ही, भारत की जेल में मैं चली जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। हम आज सीमा हैदर को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं और सीमा कह रही हैं कि मैं भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये सच में एक सच्ची प्रेम कहानी है या फिर कोई गहरी साजिश है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शोभा विजेंद्र, सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुमन चाहर हैं इस वक्त, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
स्वागत। आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन भी जुड़ेंगे। तो शोभा जी, सबसे पहले ये बताइए कि सीमा ने भारत में नागरिकता पाने के लिए याचिका लगाई, इसकी खूब चर्चा भी चल रही है, जबकि पाकिस्तान से कितने पीड़ित और शोषित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आज भी मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज के पास शिविर में जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, उनके सामने ये कैसा उदाहरण बनेगा, क्योंकि वो लोग तो बकायदा वीजा लेकर आए हैं। नहीं, आपने बहुत ही एक सही बात कही है। बहुत दिनों से ये कहानी चल रही है और हम सब लोग इसको बैठकर देखते भी हैं और इसको जब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो सच में बहुत सारे ऐसे राग हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। मेरा तो यहाँ पर ये भी कहना है कि अगर सच में ये एक प्रेम प्रसंग है और सीमा हैदर जो है वो सच के अंदर सचिन के प्रेम में गिरफ्तार हुई और केवल प्रेम की वजह से यहाँ पर आई, तो भी उनका रास्ता सही नहीं था। कानून के रूप में वो वैध नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतना समय हमारी सरकारों को इसमें बर्बाद करना चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, वो अपने चार बच्चों को साथ में लेकर आई हैं, लेकिन प्रेम के लिए भी, प्रेम करने के लिए भी किसी दूसरे देश के अंदर आना और तरह तरह की बातें, पासपोर्ट की बातें और अन्य अन्य विषयों को लेकर आना और उसके अंदर अपनी जिंदगी को और साथ में बच्चों की जिंदगी को और सचिन को और सचिन के पूरे परिवार की जिंदगी को और भारत के लिए एक इतना बड़ा चैलेंज बनने को ये महिला कैसे तैयार हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा, और आपने एक बहुत सही बात कही है, ऐसे मुस्लिम लोग, ऐसे हिंदू लोग जो वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं लगातार पाकिस्तान के अंदर और जब वो हिंदुस्तान में भी आए लगातार नागरिकता के लिए वो गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो। और देखिए, किसी को भी अपने देश में पनाह देना इतना आसान भी नहीं होता, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर हम सीमा हैदर को, मैं इसको इस तरह से भी लेती हूँ, कभी कभी हमारे घर में जब चर्चा होती है और अन्य लोगों से भी जब चर्चा होती है कि हो सकता है जिस तरह से वो हिंदी बोलती हैं, जिस तरीके से वो अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं और शुरू से ही उनको गाने का शौक था, शुरू से ही उनको नृत्य का शौक था, उन्होंने बताया कि वो माधुरी दीक्षित की फैन रही हैं, उसी तरीके से बचपन से वो डांस करती रही हैं, तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं भारत से किसी प्रकार का प्रेम हो, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की अच्छी चीजों से। यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं का आदर होता है, महिलाएं समकक्ष होती हैं, है ना, तो हो सकता है उनके अंदर ये भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। डॉक्टर सुमन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सीमा के मामले में नाटकीयता इतनी है कि कुछ राय बनाना मुश्किल है, तब भी सामाजिक और मानवीय दृष्टि से हमारा पक्ष क्या होना चाहिए? मैं तो इतने दिनों से सुन रही हूँ मीडिया में कि इतनी चर्चाएं हो रही हैं उसकी, सीमा के ऊपर। जैसे मेरे पहले वाली वक्ता ने कहा कि हमें तो समय जाहिर करना नहीं चाहिए। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, अभी उसके मन में बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस हैं जो जानना बहुत जरूरी है कि भाई वो आई है तो क्यों आई है, क्यों इतनी ज्यादा अपने आप को ओवर रिएक्ट कर रही है, वो ठीक है। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा एक बात पे तूल देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की जेल में रहना चाहूंगी, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहूंगी, जी, तो एक चीज तो हाईलाइट हो जाती है कि हमारे यहाँ देश में महिलाओं का सम्मान है, हमारे यहाँ देश में महिलाओं को शिक्षा है, और वहां पे क्या है कि जो हम देखते हैं न्यूज में, सुनते हैं, देखते हैं कि वो पैट्रियार्चिकल मेनली सोसाइटी, वो तो हमारी भी है, लेकिन वहां पर जो एथनिक ग्रुप्स है, कल्चरल ग्रुप्स है, वो महिलाओं को आगे नहीं आने देते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते, गर्ल एजुकेशन नहीं है, वीमेन एजुकेशन नहीं है, वो बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जो है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहती है कि पाकिस्तान जो है लो ह्यूमन डेवलपमेंट है जी। और कंट्रीज को यदि देखा जाए, फीमेल लिटरेसी रेट 30% है और पाकिस्तान जो है 145 पोजीशन पर है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जबकि हमारे यहाँ पर 74% है लिटरेसी रेट। हमारे यहाँ जो पिछले सालों में काम हुआ वीमेन डेवलपमेंट में, एक रिवॉल्यूशन आया है जी, राइट फ्रॉम गर्ल एजुकेशन टू वीमेन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया है, तो हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा
मजबूत हुए हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। तो जब एजुकेशन से उन्हें दूर रखा जाता है तो वो हमेशा कमजोर महसूस करती हैं। आज हम लोग क्यों इतने एक्टिव है, क्योंकि हमारे पास में स्किल है, हमने पढ़ाई की है, हम पैसे कमाते हैं, हमारी फैमिली में रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर इतनी ही पढ़ी लिखी होती सीमा हैदर तो बकायदा वो वीजा लेकर आती, ऐसे ही सरहद से सीमा सीमा लांघकर भारत नहीं आ जाती। लेकिन शोभा जी, सीमा को जैसा सत्कार मिल रहा है, मीडिया कवरेज और पुलिस की सुरक्षा, क्या ये आगे ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित नहीं करेगा? देखिए, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर ये केवल प्रेम प्रसंग है तो भी, और अगर ये प्रेम प्रसंग नहीं है तो भी, उसको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना, उसको लगातार मीडिया का भी चारों ओर से बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है उसको कि भाई आप कैसे रह रही हैं, आप कैसे तुलसी के अंदर जल दे रही हैं, छोटी छोटी बातें बहुत ही जो है व्यापक रूप से लगातार मीडिया के ऊपर चल रही हैं। एक तो ये भी इसका कारण है। दूसरा, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा सबके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, अभी हाल के अंदर ही हम फ्रांस की हालत देख रहे हैं। हमारा देश आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, जो अभी हमारे पूर्ववक्ता ने भी कहा, और यहाँ पर हर देश की महिला इंटरनेशनली प्रभावित है। हिंदू संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति सबका सम्मोहन है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर पूरा विश्व जो है सनातन की ओर जाता है। हम तो चाहते हैं पूरा विश्व सनातन की ओर जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारे नियमों को ताक के ऊपर रखा है, और ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर, बिल्कुल आपने जो सही बात, बहुत ही मार्मिक बात कही है, क्योंकि हम रोहिणी के अंदर रहते हैं और रोहिणी के पास भी एक ऐसा जो है एक कैंप लगा है जिसके अंदर बहुत समय से हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, वो लगातार, मैं भी वहां पर जाती रहती हूँ, और उनको फैसिलिटीज देने के लिए हमें भी नाको चने चने दबाना पड़ रहा है। मतलब हम लोग लगातार वी आर वर्किंग सो हार्ड कि किसी तरीके से इनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल जाए, और वो बहुत ही प्रताड़ित होकर, टॉर्चर होकर, जब उनकी लड़कियों के साथ बहुत बुरा वहां पर हो रहा था, धर्मपालन हो रहा था, उनको यहाँ पर ले जाया गया। ठीक है मैम, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ फिलहाल पूर्व डीजीपी एके जैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, भारत में बड़ी संख्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके समूह में पाकिस्तानी नागरिक भी हो सकते हैं, पुलिस की चुनौती बड़ी है उन सबके पृष्ठभूमि की जांच, जबकि उनमें से बहुसंख्यक तो अब भारत का आधार कार्ड बनवा चुके हैं, पूरी तरह से पुरानी पहचान मिटा चुके हैं। सीमा के मामले में मीडिया ट्रायल ना होता तो कहां भनक लगती पुलिस को, वो भी इसी भीड़ में कहीं ना कहीं शायद चुपचाप शामिल हो जाती। इन स्थितियों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश की महिलाएं रोहिंग्या, उन्होंने यहाँ पे निकाह भी कर लिए हैं, उनके यहाँ बच्चे भी हो गए हैं, और वो इशू अपनी जगह है कि किस तरीके से उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। अगर डिपोर्ट किया जाएगा तो क्या म्यांमार और बांग्लादेश उनको बॉर्डर पर एक्सेप्ट करेंगे? जहां तक रही सीमा हैदर की बात, ये कंफर्म्ड है कि ये पाकिस्तानी सिटीजन है, और अगर कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसको डिपोर्ट करना नेशनल इंटरेस्ट में है, तो वो किया जाएगा और पाकिस्तान एक्सेप्ट भी कर लेगा। पर ये एक सेंसिटिव डिसीजन है जो कि सोच विचार के इस पर डिसीजन होगा, और सब एजेंसीज इसमें जो भी साक्ष्य उनको मिले हैं उनको कोलेट कर रहे हैं, उस पे चिंतन चल रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है सर, चिंतन अब तो चल रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर ये है कि सीमा जिस तरह से नेपाल के रास्ते भारत में बड़े सामान्य तरीके से घुसने का दावा कर रही है, सीमा भले जासूस ना हो लेकिन भारत नेपाल सीमा पाकिस्तानी जासूसी व आतंकवाद के लिए कितनी सहज है, इसका तो प्रमाण मिल गया है। आपको, आपका कहना सही है, ये कोई आज की बात नहीं है। बॉर्डर के ऊपर सैकड़ों की संख्या में मदरसे खुल गए हैं, उनकी फंडिंग हो रही है नेपाल की तरफ से, बाहर के देशों से गलत मूवमेंट हो रहे हैं। ये एक और बहुत सेंसिटिव इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। ये संधि बहुत दिनों से चली आ रही है, ये बिल्कुल पोरस बॉर्डर है। मैं उस बॉर्डर पे कई बार गया हूँ,
वहां पर बिल्कुल खुले आम आवागमन है, रिक्शों में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कोई नमक खरीदने आ रहा है, कोई सीमेंट खरीदने आ रहा है, रिक्शों में लाद लाद के ले जा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल पोरस बॉर्डर है, क्योंकि बहुत से इंडियंस उधर रहते हैं, बहुत से नेपालीज इधर रहते हैं जी। तो ये तो एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि 1700 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसकी फेंसिंग हो क्या हो। आपको पता हो वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर बनाए गए थे दोनों कंट्रीज के। मैं उनको देखने गया था, शिकायत हुई थी, मैं आईजी जोन लखनऊ उसकी जांच करने गया था, वो बाउंड्री पिलर लोगों ने तोड़कर गायब कर दिए हैं। अब वो बॉर्डर कोई रहा ही नहीं है वहां पे, वहां पर मार्केट्स लगने लगे हैं, वो नेपालीज अपना क्लेम करते हैं, इंडियंस अपना क्लेम करते हैं, तो वो तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति वहां पर हो गई है। और ये तो कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा दोनों गवर्नमेंट्स को कि अगर इस बॉर्डर को सील करना है, प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग होनी है, तो बाकायदा उसमें फेंसिंग होगी और बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगेगा। बिल्कुल, दोनों सरकारों को भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर करने होंगे। और जैसा कि सीमा हैदर को लेकर लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है, सीमा कह रही है कि मैं सचिन से प्रेम करती हूँ, लेकिन किसी से प्रेम होना ठीक है, लेकिन ये सुरक्षा नियमों व देश के कायदों की शर्त पर हो तो उसका ऐसा महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।